हार्ले डेविडसन एक्स 440 फाइनली 455 बुकिंग्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और भी बुकिंग चल रही है। आज स्पेशली इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर आप ये बाइक खरीदने का प्लानिंग कर रहे हो तो इसका सर्विस कॉस्ट क्या होने वाला है, मंथली कितना खर्चा आपको इस बाइक के ऊपर करना पड़ेगा, साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट क्या है, वेटिंग टाइम क्या है, सारे डिटेल्स जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद हमारे साथ दीपायन भाई है। हाय दीपायन भाई, आज मतलब बहुत रिव्यूज भर गया YouTube में, रिव्यूज भर गया, सबको डिटेल सबको रट गया पूरा इस बाइक के में क्या है। पर जो चीज हमारे व्यूअर्स को पता नहीं है, अगर मान लीजिए कोई बाइक खरीदना चाहता है तो सबसे पहले अभी देखिए यहाँ पे 445 बुकिंग कंप्लीट है, मतलब ये रिकॉर्ड आप बोल सकते हो, इतना शॉर्ट टाइम इतना बुकिंग तो मतलब एक रिकॉर्ड ही है। तो एक पहला सबसे पहले बताइए, अगर कोई जो मतलब बाइक खरीदना चाहता है मिनिमम अभी बुकिंग अमाउंट कितना है इस बाइक? मिनिमम बुकिंग अमाउंट इज 5000 देके आप बुक कर सकते हो, बुक कर सकते हो। अगर आप घर पे बैठ के भी बुक करना चाहते हो तो हम लोगों का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, जस्ट मेगा कॉल और हम लोग आपको सब डिटेल्स वगैरह व्हाट्सअप कर देंगे, अकाउंट डिटेल्स वगैरह भी व्हाट्सअप कर देंगे। घर में बैठ के जहीं पे से मतलब कोई भी लोकेशन से आप लोग बुक कर सकते हो, एंड उसके बाद हम लोग मनी रिसिप्ट और जो डिटेल्स वगैरह है बुकिंग कंफर्मेशन के लिए वो हम लोग शेयर कर देंगे बाय व्हाट्सएप। ओके, तो मतलब अगर बाइक का डिटेल्स आपको पूरा पता है तो शोरूम में आने की जरूरत नहीं, आप घर में बैठ के भी बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि इतना ज्यादा बुकिंग है, आप घर से यहाँ पे आते आते काफी सारे बुकिंग लिस्ट और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक और सवाल है, जैसे अभी इतना सारे बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुका है तो अभी डिलीवरी शेड्यूल कितना टाइम तक वेट करना पड़ेगा? अभी तक तो हम लोगों के पास जितना इन्फॉर्मेशन है जो डिलीवरी शेड्यूल एंड ऑफ सितंबर और अक्टूबर फर्स्ट वीक से डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट होगा। तो ऑलरेडी वी हैव रिसीव 455 प्लस बुकिंग, 455 एग्जैक्ट अभी है नहीं, दो एक अभी भी बढ़ गया है क्योंकि हम लोग मिनटों में बुकिंग रिसीव कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो बात यही है, जो अभी अगर आप आज का डेट में बुक करेगा तो एंड ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपको गाड़ी मिल जाएगा। मतलब 2-3 महीने का वेटिंग टाइम चल रहा है क्योंकि इतना मतलब मैसिव एक बुकिंग चल रहा है, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली इतना बेहतरीन बाइक है उसके लिए एक थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। अभी हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिक में डिलीवरी करेंगे, जो पहले बुक किया उसको पहले मिलेगा गाड़ी। और एक सबसे बड़ा बात जो है वो हम लोग का, आप लोग शायद जो लोग बाइक अभी खरीदना चाह रहे हैं वो लोग बहुत सारा जानकारी लेके ही शोरूम में आते हैं, तो फेसबुक यूट्यूब सब जगह में आप लोगों को शायद दिखा और गूगल में भी दिखा, जो थर्ड ऑफ अगस्त का बाद इंट्रोडक्टरी प्राइस बढ़ चुका है। तो और एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे शोरूम के बाद हम लोग कर रहे हैं तो मतलब ये तो है न्यूज़, सबको पता है कि हीरो के साथ ये बाइक ऑलरेडी मार्ज हो चुका है, तो काफ़ी मेरे व्यूअर्स ये सवाल कर रहे हैं ये बाइक मतलब हीरो के शोरूम में दिखने को मिलेगा या हार्ले के शोरूम से ही लेना पड़ेगा? देखिए अभी इंडिया में जितना भी बाहर का कंपनी है लाइक BMW, हार्ले डेविडसन, ट्रायम्फ, सब जितना भी कंपनी है इंडियन मार्केट में एक बिजनेस पॉलिसी नया लाया है, लॉन्ग टर्म बिजनेस पॉलिसी सोच के वो लोग मतलब एक इंडियन कंपनी के साथ मार्जिंग और कोलैबोरेटिंग करके उसके बाद उसका मतलब बिजनेस बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, तो बात यही है और कुछ नहीं, जो हीरो का शोरूम से गाड़ी मिलेगा रूरल एरिया में, लेकिन हीरो अभी गाड़ी नहीं देगा, हार्ले डेविडसन में बुकिंग हो रहा है, हीरो बुकिंग रिसीव कर रहा है लेकिन हीरो हम लोगों से ही गाड़ी यहाँ से डिलीवरी लेना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में हो, आपको आने का टाइम नहीं मिल रहा है, तब आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपको एक ग्रैंड सा डिलीवरी चाहिए और एक मतलब हार्ले डेविडसन का ही बाइक ले रहे हो, हार्ले डेविडसन का शोरूम से लेना ही बढ़िया रहेगा। तो जैसे इतना बढ़िया एक बाइक है तो अभी वारंटी क्या क्या, किन किन चीज़ पे आपको वारंटी क्लेम मतलब मिल रहा है? देखिए ये वाला चीज़ तो बहुत अच्छा किया है हार्ले डेविडसन हीरो का, जो कोलैबोरेशन करके ये वाला बाइक लाया है। स्पेशली कोई भी प्रीमियम बाइक आप परचेस करोगे तो उसका 2 ईयर्स वारंटी मिलता है, तो आपको फिर बाद का 2 ईयर्स एक्सटेंड करना पड़ता है, इसमें एक साथ 5 साल का वारंटी दे दिया, 5 ईयर्स का वारंटी आपको इस बाइक में, किलोमीटर और 5 ईयर्स जो आगे आएगा, अगर आप एक साल में भी 70,000 किलोमीटर चला लोगे तो एक साल, और अगर 5 साल में आप 10,000 चलाइएगा तो 5 साल, तो 5 ईयर्स तक आपको वारंटी इस बाइक की मिल जाएगी। वारंटी स्पेसिफिकली वारंटी जो होता है ये दो चीज के ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजन का कुछ पार्ट्स में, जो कि ना मैन्युफैक्चरर वारंटी रहता है फर्स्ट 2 ईयर्स और उसके बाद वारंटी रहता है जो कि रिप्लेसमेंट होता है, नॉट रिपेयरेबल। ओके, हम लोगों का जो वारंटी है ये रिप्लेसमेंट वारंटी है, नॉट रिपेयरेबल, और जो वारंटी है ये तभी आप लोग को ठीक ठाक से मिलेगा जब आप पीरियोडिक सर्विस वगैरह ठीक ठाक से वर्कशॉप से कराइए। डेफिनेटली,
तो जो प्रॉपर वर्कशॉप का गाइडलाइन है वो आपको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तब जाके पूरा जो वारंटी इसका शेड्यूल है वो आपको प्रॉपरली मिल जाएगी। तो जैसे वारंटी के बाद हम लोग क्लियर कर ही लें, अभी क्वेश्चन आता है जो मतलब काफी सारे मेरा व्यूअर्स सवाल किए हैं। पहले तो बताइए, अगर कोई ये बाइक खरीदता है तो मंथली सर्विस के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? मंथली कुछ सर्विस का कॉस्ट नहीं है। मंथली अगर आप मान के चलिएगा तो 500 रुपया भी नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि आप मान के चलिए आप कोई सेमी प्रीमियम या कोई एंट्री लेवल प्रीमियम बाइक चलाते हो तो उसका साल में 3 बार करके सर्विस होता है, 3000 किलोमीटर आइदर 3 मंथ्स। ओके, जैसे कि रॉयल एनफील्ड का भी ऐसा होता है। तो वैसा सर्विस में एक सर्विस में कम से कम तो 2000 रुपीस जाता ही है। बहुत कम बोल रहा हूँ, ज्यादा जाता है तो 5-6000 भी जाता है। तो इसका साल भर में एक ही सर्विस होगा 10,000 किलोमीटर आइदर 1 ईयर, तो इसका एक्सपेक्टिंग जो सर्विस चार्जेस है वो है 5-6000। ओके, तो प्रीमियम बाइक के हिसाब से जो सर्विस कॉस्ट पड़ रहा है वो काफी रीजनेबल है, बजटेड है। तो आप इसको लेकर रेगुलर मतलब अपना कम्यूटर के हिसाब से भी राइड कर सकते हो। वैसे कम्यूटर बाइक की जैसे बात करें, अभी माइलेज का बात करें तो 35 कंपनी क्लेम कर रही है, 35 प्लस कंपनी क्लेम जो कर रहा है, लेकिन उसका आसपास ही मिल रहा है रिव्यूड माइलेज। मोटा मोटी आप पकड़ के चलिए 32-33 दे रहा है। 32-33 वो डेफिनेटली चलाने के ऊपर डिपेंड करेगा हाउ यू आर राइडिंग योर बाइक। राइडर टू राइडर वैरी भी करता है ये माइलेज वगैरह। तो अगर कोई फर्स्ट सर्विस के लिए ये बाइक मतलब देते हैं यहाँ पे तो क्या क्या चेंजेस फर्स्ट सर्विस में आप लोग कराते हैं? फर्स्ट सर्विस में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है। फर्स्ट सर्विस में इंजन ऑयल का जो ऑयल फिल्टर होता है, मतलब इंजन ऑयल एंड ऑयल फिल्टर जो है वो दोनों चेंज होता है और नॉर्मल पीरियोडिक सर्विस होता है। ओके, तो इंजन ऑयल इसमें कितने लीटर का इंजन ऑयल आता है? इंजन ऑयल ये जो है एक्सपेक्टिंग 1.75 लीटर टू 1.8 लीटर। तो वो क्या हार्ले का इंजन ऑयल ही? हार्ले का ही अभी तक जो है, हार्ले का ही आएगा, अभी तक आया नहीं वो वाला। सब कुछ जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी शेयर कर दें। बिल्कुल, और इसके साथ साथ आपको बता दें अभी बाइक जो देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट नेकेड कंडीशन में, इसमें काफी सारे एक्सेसरीज और ऐड हो सकता है। ऑप्शंस अभी आया नहीं, जैसे कि लेग गार्ड्स और बेस प्लेट जो है ये बाय डिफॉल्ट गाड़ी के साथ आ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई अलग सा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारा कस्टमर का मतलब रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एक बैक रेस्ट का, किसी कस्टमर का मतलब रिक्वायरमेंट है नेकल गार्ड का, तो ये सब शायद आएगा बहुत जल्दी एज एक्सेसरीज। बिल्कुल, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी कोई नया एक्सेसरीज यहाँ पे ऐड होगा आपके साथ शेयर जरूर जो करेंगे। जो अपडेट्स आएगा सब आपका चैनल में हम लोग बता देंगे। तो थैंक यू देवपान भाई, आज सर्विस रिलेटेड सारे डिटेल्स आप लोगों को जानकारी मिली चुका है। और भी कोई क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, इनसे कंसल्ट करके मैं सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दूंगा। तो बहुत ही जल्दी नया वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगा, देवपान भाई भी नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तब तक के लिए सेफ राइड सेव लाइफ।